नमस्कार छात्रों, कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। छात्रों, मीना जी परिवार में आज फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, मेरा नाम है वाघेला पायल और आज हमें जिस टॉपिक की चर्चा करनी है वो है विषय हिंदी का। व्याकरण विभाग में एक छोटा सा एकम है संज्ञा, जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। वैसे संज्ञा के बारे में हमने अगले क्लास में चर्चा की थी, आज हमें संज्ञा के प्रकार के बारे में चर्चा करनी है। छात्रों, मैंने आपको अगले क्लास में कुछ होमवर्क भी दिया था, तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ने जो संज्ञा के मैंने प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण लिखने को मैंने आपको कहा था, तो आप सभी ने वो उदाहरण लिखे होंगे। छात्रों, एक और भी एक सूचना मैं आपको दे देती हूँ कि कुछ दिनों में, थोड़े ही दिनों में, 5-6 दिनों में आपकी एकम कसौटी होगी, तो एकम कसौटी में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको सप्लीमेंट में लिखना है उसके उत्तर के साथ। और जब स्कूल में आप वापस देने के लिए आएंगे तो आपको जो मैंने अब तक का जो होमवर्क दिया था कि सभी जो एकम चले गए उन एकमों के स्वाध्याय को आपको एक फुल स्केप के बुक में लिखना है। तो आप जब सप्लीमेंट वापस देने के लिए आए तो साथ ही साथ वो जो अपना होमवर्क है वो भी आपको यहाँ पर स्कूल पर वापस देने के लिए आना होगा। तो छात्रों, अब हम हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में इसके ऊपर चलते हैं कि संज्ञा, तो संज्ञा का अर्थ उसकी परिभाषा में आपको स्पष्ट कराती हूँ। अगले क्लास में तो हमने संज्ञा के बारे में बहुत अच्छी स्पष्ट से माहिती प्राप्त की थी। अगर आपको संज्ञा के बारे में कुछ न समझ में आया हो तो आप आगे का जो वीडियो है वो आप फिर से रिपीट कर देखना, जिसके आधार पर आपको संज्ञा के बारे में स्पष्ट माहिती प्राप्त हो जाएगी। और आज हमें उसके प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में माहिती प्राप्त करनी है। तो पहले मैं संज्ञा की परिभाषा आपको एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव, अवस्था, ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण की भाषा में? संज्ञा कहते हैं। किसे संज्ञा कहते हैं? कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था को हम हिंदी व्याकरण की भाषा में संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। तो छात्रों, संज्ञा के बारे में हमने अगले क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से माहिती प्राप्त की थी, उसका वीडियो भी आप फिर से एक बार देख लेना, जिसके आधार पर आपको संज्ञा भी स्पष्ट हो जाए और अब हम जो उसके प्रकार के बारे में माहिती प्राप्त करेंगे वो भी आपको स्पष्ट से अच्छी तरह से आपको एग्जाम में संज्ञा के कुछ उदाहरण पूछे जाए तो आपको अच्छी तरह से आते होने चाहिए। चलिए, तो अब हम संज्ञा के कुछ प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको याद रखना है कि संज्ञा के कितने प्रकार है। संज्ञा के 4 प्रकार है। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। तो छात्रों, वो भी आपको याद रखना होगा। अब पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में माहिती प्राप्त करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, तो आप मेरे साथ साथ पढ़िए। इमरा ये चले गए, शांता बहादुर लड़की थी, चेतक अनोखा घोड़ा था, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो यह है, यह जो उदाहरण मैंने लिखे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को स्पष्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको भीमराव अम्बेडकर ने भीमराव इंग्लैंड चले गए, तो छात्रों यहाँ पर आप भीमराव देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति को विशेष भाव दिया जाता हो। यह संज्ञा की खास विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। पहले मैं आपको उदाहरण के आधार पर स्पष्ट कराती हूँ कि उसके बाद ही आपको उसकी परिभाषा स्पष्ट याद रह जाएगी। छात्रों, भीमराव जो है वो भारत के कैसे एक विशेष व्यक्ति है, खास व्यक्ति है। तो यह वाक्य में यह जो विशेष व्यक्ति है उसको हमें सूचित किया गया है कि भीमराव इंग्लैंड चले गए, तो भीमराव जो है वो भारत के विशेष व्यक्ति है। उसी तरह
विशेष लड़की यानी कि व्यक्ति, लड़की जो है वो व्यक्ति है, उसी प्रकार ढिमड़ा है वो भी व्यक्ति है। तो शांता बहादुर लड़की थी, तो शांता जो है वो व्यक्ति है जो बहुत ही विशेष व्यक्ति का नाम सूचित किया है। उसी प्रकार चेतक अनोखा घोड़ा था, तो यह जो चेतक है वो भी एक विशेष प्राणी है, विशेष चिन्ह है ना, खास व्यक्ति का नाम है। तो चेतक जो घोड़ा है वो बहुत ही खास, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, यानी कि प्राणी का नाम। नर्मदा एक विशेष नदी है, तो यहाँ पर यह जो है नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, तो नर्मदा जो है वो नाम कितना, और नर्मदा नदी एक बहुत ही बड़ी नदी है जिसके बारे में भी आप सब जानते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी विशेष, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान की बात सूचित करने वाले वाक्य को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो छात्रों यहाँ पर यह भीमराव है वो व्यक्ति है जो एक भारत के विशेष व्यक्ति है, खास व्यक्ति है। उसी प्रकार इंग्लैंड जो है वो भारत का विशेष, वो जो है वो एक विशेष देश है, तो वो विशेष देश है, तो यह क्या हुआ, स्थान हुआ। विशेष देश है तो यह विशेष स्थान हुआ ना। उसी प्रकार शांता तो एक बहादुर लड़की है, तो वह व्यक्ति थी, तो विशेष व्यक्ति स्थान या प्राणी को हम हिंदी व्याकरण की भाषा में व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा में यहाँ पर लिखती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक में लिखती जाना। तो छात्रों बाद में आपको होमवर्क दूंगी, तो आपको वो जो होमवर्क है खुद ही करना है, तो आप स्पष्ट से समझ लेना, कुछ न समझ में आए तो वीडियो बारंबार देखकर आप स्पष्ट माहिती प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी कि किसी खास व्यक्ति, स्थान, प्राणी को सूचित करने वाले संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो छात्रों यहाँ पर आप उदाहरण पर से ही उसकी परिभाषा स्पष्ट समझ सकते हो कि भीमराव जो है वो भारत के विशेष व्यक्ति है, खास व्यक्ति है, और इंग्लैंड जो है वो बहुत ही खास विशेष देश है, यानी कि स्थान है, और शांता जो है वो बहादुर लड़की है, तो वो भी एक व्यक्ति है। उसी प्रकार यह जो चेतक है वो विशेष प्राणी का नाम है, जो आपको उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी जानते होंगे। उसी प्रकार जो नर्मदा है, तो नर्मदा एक बहुत बड़ी नदी है, और अमरकंटक जो है वो भी एक बहुत बड़ा स्थान है जिसकी पूजा की जाती है। उसी प्रकार इसकी परिभाषा आप स्पष्ट से समझ सकते हैं कि किसी खास व्यक्ति, स्थान, प्राणी को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो छात्रों मैं आशा रखती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको स्पष्ट से समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ कि किसी भी खास व्यक्ति, स्थान,
वाली मूर्ति प्राप्त करते हैं। और ये जो संत है वो एक व्यक्ति का व्यक्ति की बात बताता है। संत जो है वो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ पर संत जो है वो किसी व्यक्ति का स्पष्ट नाम तो नहीं लिखा। संत यानी कई सारे संत होते हैं। किसी व्यक्ति महान संत का नाम भी हो तो ही हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बताया।
की पूरी जब जाती है लोग यानी बहुत सारे लोग सभी नदी को माता मानते हैं। तो छात्रों यहाँ पर हमने यह जो छाती वाचक संज्ञा है उसकी जो परिभाषा है वो है इस प्रकार, ऊपर की जो सभी वाक्य है जिसमें मैंने यहाँ पर जो रेखांकित किया है उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि यह जो शब्द है रेखांकित शब्द यह पूरी छाती का बोध कराते हैं। इसीलिए इन सभी वाक्यों को हम छाती वाचक संज्ञा कहेंगे। छात्रों में यहाँ पर जो छातीवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा लिखो कि आप सब मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखती जाना। अगर आपको कुछ समझ में न आए तो वीडियो पॉज कर देखना जिसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो छात्रों ऊपर के रेखांकित किए हुए शब्दों में से हमें पूरी छाती का बोध होता है। इसके कारण ऐसे वाक्यों को हम छातीवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस यहाँ पर कोई वाक्य हो जो पूरी छाती का बोध कराता हो तो उसे हम हिंदी व्याकरण की भाषा में छातीवाचक संज्ञा कहते हैं। तो छात्रों में आशा रखती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और छातीवाचक संज्ञा के बारे में हमने आज माहिती प्राप्त की। तो आप सभी को ये सारे जो उदाहरण है उसके आधार पर आप स्पष्ट से व्यक्तिवाचक संज्ञा और छातीवाचक संज्ञा समझ चुके होंगे। तो मैं आज आपको जो होमवर्क देना है वो भी दे देती हूँ। आपको